माइनस 5 बार 196 ऐसे लिख दिया मैंने 6 बार x 196 और 5 बार 196 इक्वल टू इसको उधर ले आओ प्लस 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर चलो बच्चों देखो ए बार बताओ 6 बार 196 में से 5 बार 196 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1 बार 196 एक बार तो आप मल्टीप्लाई करते टाइम खराब होता गलतियों के चांसेस बढ़ते अब तो डायरेक्टली एक बार 196 मतलब 196 इक्वल टू और जो 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर कितना हुआ 49d का स्क्वायर बच्चों d स्क्वायर इक्वल टू 196 अब और कितना 49 बेटा डिवाइड करो कितना आएगा 4 तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई d स्क्वायर की वैल्यू तो d इक्वल टू अंडर रूट 4 बड़े बच्चे हो गए आदत डाल लो हमेशा प्लस माइनस लगाने की d के दो रूट आते हैं तो d इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता था 2 तो आ गई अपने पास d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया कोई दिक्कत अब अपन को बनानी है ap जो अपन ने ये पढ़ी ap ap क्या आती है अपने पास a माइनस 3d a माइनस d a माइनस a प्लस d और a प्लस 3d a प्लस 3d बच्चों देखो सबसे पहले a की वैल्यू तो अब d की दो वैल्यू आई है पहले अपन खेलते हैं d इक्वल टू प्लस 2 पर a की तो एक ही वैल्यू है कितनी आई 14 आई ना d की वैल्यू 2 आई है तो अपन पहले खेलते हैं तो 14 a की जगह तो 14 होगा यहां पे भी 14 यहां पे भी 14 और यहां पे भी 14 चलो तो इसको सॉल्व करते हैं वेट अब d रखना है पहले वाले में d इक्वल टू प्लस 2 पहले वाले में d इक्वल टू प्लस 2 d इक्वल टू प्लस 2 पर 3 गुणे 2 कितना हुआ माइनस 6 हो गया और यहां तो 2 ही आ गया यहां पर कितना आ गया 2 और यहां पर कितना 6 तो अपने पास जो ap बनेगी वो बनेगी 14 में से 6 का कितना होता है 8 14 में से 2 का कितना होता है 12 फिर कितना होता है ये 16 और ये कितना होता है 20 देख लो बिल्कुल 8 4 12 12 4 16 16 4 20 बिल्कुल सही कॉमन डिफरेंस जो है अपने पास यहां पर ap बन रही है d इक्वल टू प्लस 2 है ना तो ये अपने पास ap बन गई तो एक आंसर आया 8 12 16 20 क्लियर है पहले ap बन गई 8 12 16 20 कोई कंफ्यूजन है तुम्हें तो ये अपने पास पहली ap बन गई क्लियर है हां एक बात ये देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है खुशी कि सर यहां पर आपका d की वैल्यू 2 आई है और यहां पर कॉमन डिफरेंस तो 4 आ रहा है तो इस बार इस d से इस कॉमन डिफरेंस का मतलब नहीं है ये वाले d से कॉमन डिफरेंस का मतलब नहीं है क्योंकि इस ap में मैंने आपको जो टर्म लिखाया है तो कॉमन डिफरेंस मैंने 2d लिखाया है d नहीं लिखाया तो वैल्यू d की आई है बट कॉमन डिफरेंस इस वाली ap में 2d का हुआ करता है जब आप ऑड टर्म सेलेक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस d का होता है जब आप इवन टर्म सेलेक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस कितने का होता है 2d का होता है तो ये देख के परेशान मत होना यार d तो प्लस 2 आया है और आंसर में 4 आ रहा है नो नेक्स्ट d की वैल्यू माइनस 2 दो आंसर आया ना d की वैल्यू माइनस 2 थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो कर लो नहीं तो तरीका सीरीज को पलट के लिख दो पहले लिख दो 20 फिर लिख दो 16 फिर लिख दो 12 फिर लिख दो 8 देख लो कैसे आएगा d की वैल्यू माइनस 2 a की वैल्यू है 14 इधर देखो पहले 14 ये वाला लगाया माइनस माइनस 3 इनटू d की वैल्यू कितनी ले रखी है माइनस 2 बेटा माइनस माइनस क्या हो गया तो 14 और 3 गुणे 2 होगा 6 आंसर कितना आएगा 20 ऐसे सॉल्व करते जाना तो आंसर आ जाएगा 20 16 12 8 नोट कर लो नोट करिए क्वेश्चन भेजा हूं 80 क्वेश्चंस सॉल्व पूरे के पूरे सॉल्व एक एक क्वेश्चन सॉल्व और उन 80 क्वेश्चंस में से आपको कुछ ना कुछ लगाना है टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं रखूंगा 80 ठीक है लगाइएगा आप लोग आराम से मजा आएगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जया का नंबर ही नहीं पता मेरे को जया मैसेज कर देना मेरे को तो आप मेरे को आज मैसेज कर देना ग्रुप में लिख देना हेलो लोकेश सर एड मी अरे ग्रुप में नहीं है मतलब पर्सनल नंबर से लिख देना एडमिन लोकेश तो मैं आपको ऐड कर दूंगा चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही और अब एक दो क्वेश्चन बचे हुए उनको कल फिनिश करते हैं बस हो गया फिनिश
तो क्या